नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल तो दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया, अपनी ही पार्टी को कमजोर बताने लगे। सवाल यह है कि जब वो अपने रास्ते जेडीयू से अलग कर रहे हैं या ऐसी परिस्थिति उन्होंने पैदा कर दी कि जेडीयू से उनको अलग होना पड़े। अब उपेंद्र कुशवाहा या तो जेडीयू से निकाले जाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ेंगे, ऐसी परिस्थिति तो मौजूदा वक्त में है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहेंगे, ये स्थिति बिल्कुल नजर नहीं आती है। सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या बीजेपी में शामिल होंगे, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? और ये सवाल आज से नहीं है, ये सवाल तब से है जब से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो खीर पका रहे हैं, वो खिचड़ी पका रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स में भर्ती होते हैं और बिहार बीजेपी के कई नेता जब उनसे मिलने पहुंचते हैं, तस्वीर सामने आती है, तो इन कयासों को बल मिलता है, इन कयासों को मजबूती मिलती है। नहीं, कुछ तो है। उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीक जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में तो है। इसको लेकर खूब बवाल भी हुआ इन तस्वीरों को लेकर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नहीं, वो जेडीयू में रहेंगे, जेडीयू को मजबूत करेंगे, अपना हिस्सा लेकर जेडीयू से जाएंगे अगर जाना भी होगा तो। अब एक बड़ा बयान आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उस बयान से ये कयास और मजबूत हो गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और बयान भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का है। सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से दूसरे पार्टी में काम कर रहे हैं, वो बड़े भाई हैं, अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। यह बयान सम्राट चौधरी का है। सम्राट चौधरी उसी जाति बिरादरी से आते हैं जिससे उपेंद्र कुशवाहा आते हैं और कुशवाहा समाज के बड़े नेता के रूप में अब सम्राट चौधरी उभरे हैं। तो सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बयान दे रहे हैं और ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कभी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान हैं इसलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं, और आज वो उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से प्रस्ताव आता है तो जरूर विचार किया जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तेवर तो नरम अब नजर आ ही रहे हैं। कम से कम बयानों से तो ये पता चल ही रहा है, ये साफ हो ही रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी के तेवर नरम है। तो बहुत खेल होना है अभी बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में। उपेंद्र कुशवाहा भी कोई फैसला लेंगे ही। अब हमने आपको सुबह खबर दिखाई कि वो कितने लोगों को अकेले रुखसत होंगे, आरसीपी सिंह की तरह अपने चंद लोगों के साथ, या नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने में वो सक्षम है, और नीतीश कुमार ललन सिंह को बड़ा झटका देकर वो पार्टी से विदा होंगे, देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।